हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे सॉन्ग का लेसन करेंगे हम लोग। काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, सॉन्ग का नाम है हम लोग का माहिया मैनू। ये जर्सी मूवी का सॉन्ग है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग आया है। तो इसका हम लोग सबसे पहले इंट्रो देखेंगे एंड मैं आपको इसके कॉज भी बताऊँगा। इंट्रो जो है गिटार भी प्ले हुआ है तो काफ़ी अच्छा लगेगा सुनने में, तो हम लोग जल्दी से वो भी सीखेंगे, काफ़ी ईजी है। एंड हम लोग से कॉर्ड्स देखेंगे, स्ट्रमिंग पैटर्न, प्रोग्रेशन किस तरीके से कहाँ पे प्ले करना है क्या, तो पूरा देखेंगे। सो बिना किसी तरीके लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस अब सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रो देखते हैं। जो सॉन्ग है वो हम लोग का सी मेजर स्केल पे है, ठीक है। तो मतलब जो नोट्स होंगे उसके वो सी के ही नोट्स होंगे, जैसे सी के नोट्स जो भी होते हैं तो वही होंगे, ठीक है। तो सी मेजर स्केल हम लोग का, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो प्ले करते हैं। इंट्रो कुछ इस तरीके से आता है हम लोग का, तो कुछ इस तरीके से आता है हम लोग का। ठीक है, तो ये हमको प्ले करना होता है इंट्रो में। तो ये किस तरीके से प्ले होगा मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले हम लोग जी स्ट्रिंग पे ओपन प्ले कर रहे हैं। मेरी फर्स्ट फिंगर जो है वो बी स्ट्रिंग पे लगी रहेगी, इस तरीके से बी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है ठीक है। और सबसे पहले मैं प्ले कर रहा हूँ जी स्ट्रिंग, देन उसके बाद फिर बी स्ट्रिंग, देन उसके बाद ई स्ट्रिंग, तो ठीक है, देन उसके बाद फिर से बी स्ट्रिंग, ठीक है। देन इसके बाद मैंने ये प्ले किया, देन इसके बाद 3 बी स्ट्रिंग का एंड 1, तो इससे कुछ आएगा, ठीक है। देन इसके बाद जी स्ट्रिंग का ओपन, देन इसके बाद फिर 1 बी स्ट्रिंग का, तो इससे कुछ आएगा, ठीक है। स्लो करो, ठीक है। ठीक है, ये प्ले हुआ। देन इसके बाद हम लोग को प्ले करना है जी स्ट्रिंग का ओपन, देन इसके बाद बी स्ट्रिंग का 1, देन इसके बाद ई स्ट्रिंग का 3, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। 3 प्ले किया, देन इसके बाद बी स्ट्रिंग का 1, देन इसके बाद ई स्ट्रिंग का 1, देन ई स्ट्रिंग का 0, देन हम लोग को प्ले करना है बी स्ट्रिंग का 1 एंड जी स्ट्रिंग का 0। तो एकदम स्लो देखो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। एंड इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, इस तरीके से का। एकदम स्लो एक बार पूरा प्ले करता हूँ, ध्यान से देखना एकदम, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो देखो इस तरीके से है, रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का इंट्रो होगा। आप लोगों को ऊपर नोट्स भी आएंगे तो आप लोगों को और इजी समझ में आ गया होगा। पॉज करके भी देख सकते हो, अच्छे से प्ले कर लेना। एकदम स्लो स्टार्टिंग में प्ले करना, देन उसके बाद धीरे धीरे फास्ट ट्राई करना। शुरू में एकदम फास्ट मत कोशिश करना, ना गौच पाच हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम स्लो स्लो ट्राई करना, तो ईजिली आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग इससे मूव करते हैं। कॉज हम लोग की कौन कौन सी है सॉन्ग में, तो देख लेते हैं कॉज कौन कौन सी है। सबसे पहले सी मेजर आएगी हम लोग की, क्योंकि सी तो हम लोग की की है, तो सी मेजर तो आनी है। सी मेजर है फर्स्ट कॉर्ड, देन ए माइनर, देन एफ मेजर, देन जी मेजर। बस टोटल 4 कॉर्ड्स हैं, काफ़ी ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए प्ले करने के लिए। सी, ए माइनर, एफ मेजर एंड जी मेजर। अभी मैं आप लोग को एफ मेजर का एक थोड़ा ईजी वर्जन में बताऊँगा किस तरीके से प्ले कर सकते हो, जो कि काफ़ी लोग को नहीं पता होगा। तो उससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब प्ले कर सब पाओगे। अगर सॉन्ग में प्ले करना है कहीं तो आप लोग ईजिली प्ले कर लोगे। बट इस तरीके से प्ले करने की भी आदत डालो, मतलब प्रैक्टिस इसकी करते रहना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले सी मेजर देखो किस तरीके से प्ले होगा। सी मेजर के नो किस तरीके से पुट होती है फिंगर्स। सबसे पहले थर्ड फिंगर मैंने ए स्ट्रिंग पे प्ले पुट की हुई है, थर्ड फ्रेट पे 1 2 3, ठीक है। देन इसके बाद मैंने अपनी सेकेंड फिंगर पुट की है डी स्ट्रिंग पे, सेकेंड फ्रेट पे, एंड फर्स्ट फिंगर है मेरी बी स्ट्रिंग पे, फर्स्ट फ्रेट पे, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। एंड इस तरीके से मैं प्ले कर रहा हूँ। तो मैं थंब से अपनी ये ई स्ट्रिंग को म्यूट किया हुआ हूँ, ठीक है। ये हम लोग की हो गई सी मेजर। एंड ए माइनर किस तरीके से लगेगी? ए माइनर के लिए हम लोग को क्या करना होगा? सबसे पहले फर्स्ट फिंगर बी स्ट्रिंग, फर्स्ट फ्रेट, ठीक है, फर्स्ट फ्रेट पे। एंड उसके बाद हम लोग की डी स्ट्रिंग पे, सेकेंड फ्रेट पे सेकेंड फिंगर, एंड थर्ड फिंगर हम लोग की आएगी जी स्ट्रिंग पे, सेकेंड फ्रेट पे। इस तरीके से ये दोनों सेकेंड फ्रेट पे हैं और ये फर्स्ट फिंगर फर्स्ट फ्रेट पे, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे भी ई स्ट्रिंग म्यूट की हुई है। एकदम इजी पुट करना, अगर नहीं पता किस तरीके से कॉर्ड्स लगती हैं तो बहुत मतलब एक फिंगर एक ध्यान से लगा के, क्योंकि कहीं भी बजिंग के साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, एकदम क्लियर, ठीक है। देन इसके हम लोग की एफ मेजर, जो वैसे तो इस तरीके से लगती है, इस तरीके से, ठीक है। तो पहले बता देता हूँ नॉर्मल किस तरीके से लगेगी। सबसे पहले फर्स्ट फिंगर जो है वो हम लोग की कवर करेगी बी स्ट्रिंग एंड ई स्ट्रिंग दोनों को, फर्स्ट फ्रेट से ऐसे इस तरीके से दोनों को कवर करेगी। एंड जी स्ट्रिंग जो है सेकंड फिंगर सेकंड फ्रेट पे, यहाँ पे इस तरीके से। एंड ये जो मेरी थर्ड फिंगर है ये आएगी ए स्ट्रिंग पे, थर्ड फ्रेट पे, और ये फोर्थ फिंगर आएगी डी स्ट्रिंग पे, थर्ड फ्रेट पे, इस तरीके से। और ये मैंने म्यूट किया हुआ है। अगर इसमें बार लगाओगे तो फर्स्ट फिंगर इस तरीके से आएगी। तो टोटल 6 कॉर्ड्स का यूज़ होगा, ठीक है, इसमें 6 हम लोग की स्ट्रिंग्स का, ठीक है, और नॉर्मल तरीके से। एंड इसी को हम लोग एक तरीके से और लगा सकते हैं, थोड़ा इजी वे में हो जाएगा हम लोग का। किस तरीके से आप लोग को प्ले करना रहेगा? जो आप लोग की थर्ड फिंगर है वो आएगी डी स्ट्रिंग पे एंड हम लोग की थर्ड फ्रेट पे, इस तरीके से। एंड सेकेंड फिंगर आएगी जी स्ट्रिंग पे, सेकेंड फ्रेट पे, एंड फर्स्ट फिंगर बी स्ट्रिंग पे, इस तरीके से। ये तीनों बस इस तरीके से, ठीक है, लग गई हम लोग की। ये एकदम सिंपल, ये इस तरीके से। बस यहाँ पे जो फर्स्ट फिंगर है इन दोनों को एक साथ प्ले करना है, ये तो हम लोग को करना ही पड़ेगा। ये बी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग को एक साथ इस तरीके से, एंड यहाँ जी स्ट्रिंग एंड ये इस तरीके से प्ले कर सकते हो। इन दोनों को म्यूट कर दो, तो इस तरीके से भी एफ मेजर लगा सकते हो, ठीक है। बट ये आप लोग हल्का फुल्का यूज़ कर सकते हो, मतलब कहीं अगर आप लोग को तुरंत प्ले करना है या कहीं परफॉर्म करना है और नहीं प्ले करना आता है एफ मेजर, तो आप लोग ये यूज़ कर लेना। बट प्रैक्टिस इसकी करते रहना, क्योंकि मतलब ये ज़्यादा अच्छा साउंड करता है, ठीक है, ठीक है। देन इसका लास्ट कॉर्ड आती है हम लोग की जी मेजर। जी मेजर हम लोग की एग्जैक्ट जो एफ मेजर लगाइए उसको होल स्टेप हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो ये जी मेजर हो जाएगी हम लोग की। और इसको इस तरीके से लगाते हैं, सीरीज किस तरीके से लगेगी? सबसे पहले जो हम लोग की मिडिल फिंगर है वो आएगी थर्ड फ्रेट पे, एंड हम लोग की फर्स्ट फिंगर आएगी सेकंड फ्रेट पे ए स्ट्रिंग पे, इस तरीके से। हम लोग की जो थर्ड एंड फोर्थ फिंगर है वो आएगी बी स्ट्रिंग और ई स्ट्रिंग पे, इस तरीके से, थर्ड फ्रेट पे। तो हम लोग की कॉर्ड इस तरीके से हो गई, ठीक है। ये देखो, ध्यान से देखो, ये एंड ये, ठीक है। तो टोटल कॉर्ड्स हो गई 1 2 3 एंड 4। तो टोटल कॉर्ड्स हो गए हम लोग की। हम इनको प्ले किस तरीके से करना है आप लोग बता देता हूँ। सॉन्ग के साथ हम लोग को किस तरीके से प्ले करना रहेगा। सबसे पहले तो हम लोग को इसमें काफ़ी सिंपल डाउन डाउन स्ट्रम करना है, वो किस तरीके से आएगा। सबसे पहले जैसे हम लोग की बीट स्टार्ट होती है तुरंत हम लोग की कॉर्ड्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सबसे पहले सी मेजर लगाएंगे, डाउन स्ट्रम करेंगे, इसका ए माइनर, इसका एफ मेजर, जी मेजर। मैं 8 टाइम्स कर रहा हूँ ए कॉर्ड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरीके से करना है हम लोग को। इसको 2 टाइम्स करना है हम लोग को। ये प्रोग्रेशन यही रहेगी हम लोग की, सी मेजर, ए माइनर, एफ एंड जी। तो सी मेजर पे 8 टाइम्स, ए माइनर पे 8 टाइम्स, एफ मेजर पे 8 टाइम्स एंड जी मेजर पे 8 टाइम्स। एंड इसी पैटर्न को उनको 2 टाइम्स चलाना है, ठीक है। टाइम्स प्ले किया देन इसके बाद फिर से प्रोग्रेशन हल्की से चेंज हो जाएगी। हम लोग को क्या करना रहेगा, सी मेजर प्ले करना रहेगा 2 टाइम्स, मतलब 8 टाइम्स यहाँ पे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, देन फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, देन फिर आएगी ए माइनर 1 2 3 4 5 6 7 8, देन फिर से ए माइनर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये किस तरीके से रहेगा हम लोग का, ये इसको एक ही बार प्ले करना है, पहले 2 बार वो पैटर्न प्ले करिए, देन उसके बाद हम लोग प्ले करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना प्ले करना है। देन इसके बाद यहाँ प्ले किया, देन इसके बाद फिर से हम लोग को एफ मेजर प्ले करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2, ये जी मेजर पे आ गए, इसको भी 2 टाइम्स प्ले करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये सीरीज हम लोग का पूरा चलेगा। अब एक बार मैं आप लोग को सॉन्ग के साथ भी प्ले करके दिखा देता हूँ, तो एग्जैक्ट आप लोग समझ में आ जाएगा कि किस सीरीज से प्ले करना है हम लोग को, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया इसको किस तरीके से प्ले करना है। आई होप कि अब आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें डाउन टाउन स्ट्रम किस तरीके से और कौन सी कॉर्ड कहाँ पे पुट होनी है। देन इसके बाद हम लोग की मेन कोरस आती है, उसमें किस तरीके से प्रोग्रेशन रहेगी। सबसे पहले सी मेजर, एक बार सी मेजर पे रहेगा पैटर्न, देन इसके बाद ए माइनर, देन इसके बाद एफ, देन इसके बाद जी, देन इसके बाद फिर से सी, देन इसके बाद ए माइनर, देन इसके बाद जी। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न रहेगा। देन फिर से हम लोग प्ले करेंगे, फिर से वही वाली लाइन रिपीट होगी माहिया मैनू करके, तब फिर से सी ए माइनर एफ एंड जी एंड सी एंड ए माइनर एंड जी एंड फिर से एक बार और जी। तो ये मैं अभी आप लोगों को सॉन्ग के साथ भी दिखाऊंगा, तो और चीज़ क्लियर हो जाएगा। कॉर्ड्स एक बार ध्यान से रिकॉग्नाइज कर लो, याद कर लो कि कौन कौन सी कॉर्ड लगनी है टोटल, है ना, कॉर्ड मत भूलना। तो ये टोटल कॉर्ड्स मैंने बता दी हैं, अभी सॉन्ग के साथ बताता हूँ। अब सबसे पहले देख लो कि पैटर्न स्ट्रमिंग किस तरीके से प्ले करना है। इससे ऐसा कोई खास पैटर्न मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने तो नॉर्मल से किस तरीके से लिया है। देखो इस तरीके से सबसे पहले मैं इस तरीके से मैं आपको पहले प्ले करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से लिया है, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एकदम स्लो दिखा प्ले करके दिखाता हूँ। इसमें आप लोग किसी तरीके से प्ले कर सकते हो, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रमिंग्स में कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं हुई है। तो आप लोग चाहो तो सिर्फ डाउन डाउन भी कर सकते हो। आप लोग हल्का सा इसमें अपना वेरिएशन दे सकते हो, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आप लोग को, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन, ठीक है, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। ये हम लोग की स्ट्रमिंग है, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन डाउन। एंड देन हम लोग की जो सेकेंड स्ट्रमिंग का पैटर्न फिर से यूज़ करेंगे, उससे के बीच में एक फिलर ऐड करेंगे डाउन अप करके, ठीक है। तो किस तरीके से आएगा, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 डाउन, ठीक है। इस तरीके से मैंने यूज़ किया, आप लोग चाहो तो यूज़ कर सकते हो। और मेरे ख्याल से आप लोग सिंपल से डाउन डाउन स्ट्रम भी करोगे तो वो भी एकदम बढ़िया लगेगा उस पर, ठीक है। तो पैटर्न मैंने आप लोगों को, कॉज भी मैंने आप लोगों को बता दिए, प्रोग्रेशन किस तरीके से लगेगी मेन कोरस में। तो एक बार आप लोग सुन लो किस तरीके से मैंने प्ले किया है, तो चेकआउट कर लो। सो गाइज अब आप लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसका फिर से एक वर्स टाइप की आती है लाइन, तो उसमें किस तरीके से हम लोग को प्ले कर रहे हैं। सबसे पहले सी मेजर करेंगे, देन उसके बाद ए माइनर, देन एफ मेजर, देन जी मेजर। इस पार्ट में हम लोग को 3 टाइम्स चलाना है, सी, ए माइनर, एफ एंड जी। इसको हम लोग को 3 टाइम्स प्ले करना है टोटल। देन उसके बाद हम लोग को 4th टाइम में क्या करना रहेगा, एफ 2 टाइम्स एंड फिर जी 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब एक बार इसको भी सॉन्ग के साथ देख लो। आप लोग जो स्ट्रमिंग पैटर्न है वो वही यूज़ कर सकते हो, जब भी मैंने आप लोग को बताया तो आप लोग वही यूज़ कर सकते हो। एक बार इसको भी देख लो किस तरीके से प्ले करना है हम लोग को। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया सॉन्ग के साथ ये किस तरीके का सुनाई दे रहा है, साउंड किस तरीके से कर रहा है। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूरे जो कॉर्ड्स पैटर्न किस तरीके से लगेंगे। इसके बाद जो हम लोग को करना है वो वही सेम प्रोग्रेशन हम लोग की आ जाएगी, जो अभी मैंने आप लोग बताई थी स्टार्टिंग से, वही सेम प्रोग्रेशन आप लोग को लगानी रहेगी। माहिया मैनू कोरस आएगा इसके बाद, है ना, तो उसमें भी आप लोग को वही सेम कॉर्ड्स लगानी होंगी। तो इसी तरीके से टोटल हम लोग के कॉर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्या आप ले कर रहे हैं। अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप लोग मुझे कमेंट में भी यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो वहाँ पे आप लोग मुझसे डाउट अपने क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों ने यहाँ तक देखी है वीडियो को, तो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ इससे सीखने को भी मिला होगा। तो अपने दोस्त, फ्रेंड्स, जो भी गिटार में इंटरेस्ट हैं, जो भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट रखते हैं, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए बाय बाय।